ये लोग पहनी हुई है पवन सिंह जी की साली पियर फराक वाली जैसे पवन। अच्छा आपके खूबसूरती का क्या राज है? एक्ट्रेस लोगों का लाइफ कैसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? तो राज रोशन व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। सो दोस्तों एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पवन सिंह जी की साली। साली में हो खेलाया था। क्वीन तान्या जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले राज रोशन व्लॉग को नमस्कार, मेरा प्यार। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। देख रहा हूँ कि लगातार गाने पे गाने आपका शूट चल रहा है, स्पेशल आपके लिए यहाँ पे शूट लगा हुआ है आज। हाँ तो ये सब पब्लिक का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है, इसलिए लग रहा है। और गाना मैंने सुना, गाना जो है काफी ज्यादा सुंदर है, काफी बेहतरीन गाना है, बहुत तगड़ा है, बहुत जल्दी हम लोग। अच्छा ये जो गाना बैग से करेंगे सबका स्वागत अभी चल रहा था, ये कब तक रिलीज हो जाएगा ये गाना? ये तो कंपनी का है, तो कंपनी आपको जैसे पता है कि कंपनी कभी 2 महीने पे 4 महीने पे रिलीज करती रहती है, क्या पता उन लोगों के पास वीडियो हो तो फिर ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। ये भी हो सकता है कि कल रिलीज हो जाए। गाना बहुत अच्छा है और काफी अच्छा लग रहा है सुनने में। मुझे लगता है कि जब आएगा तो पूरा तबाही मचा देगा। मेरे को भी लगता है, पूरा येलो येलो पहनी हुई है पवन सिंह जी की साली पियर फराक वाली जैसे पवन। गाना लगता है निकलने वाला? नहीं पीला, वैसे मुझे पीला कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है, इसकी वजह से मैंने पहन रखा है। और क्या कुछ कहना चाहती है? पवन सिंह जी जो है काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, इसके ऊपर फुल सपोर्ट है, मुझे तो बहुत खुशी है कि उठे हैं जी। और खुशी क्या हो, बनेंगे भी, बनेंगे जरूर। तो दोस्तों ये हैं हमारे साथ क्वीन तान्या जी जो कि काफ़ी ज़्यादा गाना वगैरह बनाती हैं और इंस्टाग्राम पे भी अच्छा खासा नाम फेम है और काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे ऐसे एक्ट्रेस लोगों से जो है बातें कर। और क्या कुछ कहना चाहते हैं हमारे तमाम दर्शकों के लिए? वही जो मुझे जितना प्यार सपोर्ट मिल रहा है वैसे आप लोग को भी प्यार सपोर्ट मिले, आप लोग भी आगे जाइए, आप लोग भी बहुत, जैसे हम लोग इतना, जैसे यही होता है कि हम लोग शूट करते हैं और आप लोग का काम होता है इंटरव्यू लेना, तो यही सेम है एक्टर एक्ट्रेस लोग का इंटरव्यू। हाँ। कौन कौन सा गाना आ रहा है, कौन सा गाना नहीं आ रहा है, फिर विवाद को लेकर कुछ विवाद मेरे लाइफ में कुछ नहीं है। मैं किसी से मैं सबसे अच्छे से बात करती हूँ। यार ये कितनी औसम, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मेरे लाइफ में कोई विवाद नहीं है जी। बस लोग मुझे ये है कि मुझे लोग देख के चलते हैं, बट मैं वो लोग से प्यार करती हूँ। पिछले वाले इंटरव्यू में शायद मैंने पूछा था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, तो आपने कुछ बताया नहीं था शायद। नहीं जी बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा यही मानना है कि मैं अपने लाइफ में आज, मतलब ये सब में मुझे पढ़ना भी नहीं है, मैं डायरेक्ट शादी करूंगी जो कि बहुत जल्द गुडनीज दे दूंगी आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए। एक्ट्रेस लोगों का लोग जो है जानना चाहते हैं कि एक्ट्रेस लोगों का लाइफ कैसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में? अच्छा होता है। ऑन कैमरा तो अच्छा दिखता ही है, ऑफ कैमरा कैसा होता है? सही है, देखिए हम लोग इसी से जीते हैं, इसी से खाते, तो हम लोग बुरा ही नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा है इंडस्ट्री और आर्टिस्ट है हम लोग, बहुत काफी मुझे तो अच्छा लगता है। लोग का सोच हम लोग बदल नहीं सकते, लोग तो हम लोग के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि नचनिया है ये है वो है, तो उसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें कब समझ में आता है, जहाँ हम जाते हैं पब्लिक हमें जब प्यार देती है, फोटो क्लिक करने के लिए आती है, तब हमें समझ में आता है अरे लोग क्या बोल रहे हैं, उसे हमें कोई मतलब नहीं, इग्नोर कर देते हैं हम लोग। लोग जब फोटो लेने के लिए सेल्फी लेने के लिए आते हैं उस टाइम जो फील होता है वो कुछ हटकर होता है, बहुत अच्छा जो हम लोग मेहनत करते हैं उसका फल दिखता है। सोशल मीडिया पे कोई भी कैटेगरीज हो, अगर लोग अगर ऐसे फोटो लेने के लिए आते हैं, जब अनजान लोग जब आप उनको ना जानते हैं और वो आकर आपको बोले कि मैं आपको जानता हूँ, आपके साथ फोटो लेना चाहता हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं भी आप लोगों को जानती हूँ, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मैं ये नहीं बोलती कि मैं आपको नहीं जानती, मैं ऐसे बोलती हूँ मैं भी आपको जानती हूँ, आप मेरे सब्सक्राइबर हो। मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं ऐसे बोलती हूँ। अच्छा इंस्टाग्राम पे कितने लड़कों लोगों का प्रपोजल आया है आपको? मैं मैसेज नहीं देखती हूँ। अच्छा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, मैसेज ही नहीं सीन करती? नहीं मैं नहीं देखती क्योंकि मैसेज बहुत सारा रहता है, बस मैं प्रमोशन का मैसेज देखती हूँ। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। और जो लोग बोलते हैं कि दीदी मुझे सपोर्ट करिए, मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ, बाकी ऐसे प्रपोजल के लिए प्रपोजल तो आते रहते बट अच्छा आपके खूबसूरती का क्या राज है? क्योंकि मेरी मम्मी खूबसूरत है इसलिए मैं भी हूँ। जल्दी
पापा है कि नहीं? नहीं पापा नहीं। पापा होंगे तभी तो अभी खूबसूरत हुई है। पापा तो मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। मैं इंस्टा पे डाले भी हूँ, बट यही है कि यही दुख की बात है कि मैं आज तक अपने पापा को नहीं देखी। मैं 8 महीने की थी तभी पापा हम लोग को छोड़ के चले गए। तो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाती है या फिर यूट्यूब पे और कोई भी व्लॉग वगैरह करती हैं? ब्लॉगिंग कभी कभी करती रहती हूँ, यूट्यूब और इंस्टा पे तो रेगुलर शॉर्ट्स आता रहता है। बताइए कुछ पूछिए, मैं तो बताने के लिए रेडी हूँ। एक्ट्रेस लोगों के बारे में जो है जानना चाहते हैं, जो नई लड़कियां हैं जो इस लाइन में जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं जो नई नई एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? जरूर जुड़िए आप लोग, अपना ये काबिलियत से आइए जो कि अपना प्रोफाइल बनाइए। मैं यही कहूँगी आप लोग, क्योंकि इस लाइन में मतलब धोखा कितने लोग होते हैं कि धोखा भी देते हैं, तो आप लोग बहन में यही आप लोग से प्रे करूँगी कि आप लोग अपना नाम रोशन करना है तो प्लीज़ आप लोग अपना प्रोफाइल बनाइए और प्रोफाइल बना के फिर आगे बढ़िए, क्योंकि आजकल लोग खाने के लिए और चबाने के लिए बहुत ही उतावले हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपना प्रोफाइल बनाइए फिर इंडस्ट्री में पैर रखिए। पवन सिंह जी जो हैं काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार जो है पूरा एकदम काराकाट की जो जनता है पूरा पवन सिंह की दीवानी हो चुकी है, पूरा फैन बन गई है। वो पब्लिसिटी देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार पवन सिंह की जीत जो है वो तय है। तय क्या है, जरूर होगा, पूरा जीत है, एकदम जीत है। मैं तो मान ली हूँ कि जीत है, जीत है। तो आपको नहीं लगता है चुनाव प्रचार में जा रही है आपकी? नहीं अभी तो नहीं गई, बट मैं जाऊंगी। 9 तारीख को नॉमिनेशन है, जाऊंगी, जरूर जाऊंगी जी, जाऊंगी। तो 9 तारीख को जैसा कि आप सभी को पता है कि पवन सिंह जी का जो है नॉमिनेशन होने वाला है और कल जो है हम लोग वहीं पे रहेंगे, काराकाट जाने वाले हैं और चाहते हैं कि एक्ट्रेस लोग भी वहां पे पहुंचे, जितने भी तमाम जो एक्ट्रेस लोग हैं। और क्वीन तान्या जी हमारे साथ थी जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बेहतरीन हिट हिट जो है गाने देते आई हैं और आने वाले टाइम में देते रहेंगी। तो आप लोग को ये वीडियो हमारा कैसा लगा अपना राय विचार कमेंट करके एक बार जरूर बताएं और राज रोशन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।